महासमुंद जिला के सिरपुर में भूमि अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद चुन्नीलाल साहू समेत कई नेता और लोग शामिल हुए। सम्मेलन में वन अधिकार पट्टा और सरकार की योजनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। सांसद चुन्नीलाल साहू ने कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस आदिवासियों का शोषण करती आ रही है। इधर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने अपनी सरकार में आदिवासियों को 5 लाख पट्टा वितरित किए थे, मगर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो उनसे पट्टा वितरण मामले में उन्होंने रोक लगा दी। केंद्र पोषित योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, और भी कई योजना जिसमें कि वन अधिकार का पट्टा देने का काम है, ये सब बिल्कुल ठप है। और इससे ये जो सरकार, जो आदिवासी हरिजनों का जो मसीहा कहलाती है और उनके दम पर सरकार में आई है, आज इस सरकार से ये वर्ग पूरी तरह से ठगे गए हैं, छले गए हैं। जो जमीन है वन अधिकार पट्टा वो तो रही, आवाज भी आ रहा है उसमें भी इन लोग आनाकानी कर रहे हैं। धान खरीदी में इस प्रकार से आनाकानी कर रहे हैं, वन अधिकार पट्टा को निरस्त कर दिया गया है, किसान धान देने मजबूर हो गए हैं। भाजपा की आगे की रणनीति क्या होगी? जैसा पूरा जनता के साथ है भारतीय जनता पार्टी, और इनकी सभी जो लड़ाई है पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। प्रदेश की